हाय, माय नेम इज़ दलवी। मैं इंडिया ड्राइंग के थर्ड लेक्चर में आप लोगों के लिए ड्राइंग शीट्स लेकर आया हूँ। आपको सेकंड पॉइंट ड्राइंग शीट्स था, इंजीनियर ड्राइंग स्टूडेंट्स थे उसमें ड्राइंग शीट्स था। तो वह ड्राइंग शीट्स क्या होती है? ड्राइंग शीट्स एक प्रकार से वाइट कलर की एक शीट्स होती है, पेपर शीट्स होती है। इसकी पर्टिकुलर थिकनेस होती है, पर्टिकुलर लंबाई चौड़ाई होती है। आप उस ड्राइंग शीट्स का यूज करते हैं ड्राइंग्स को बनाने के लिए। केमिकल इंजीनियर ड्राइंग, एक केमिकल इंजीनियर होगा वो आपका डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चरेशन कॉलम वगैरह, पंप की डिजाइनिंग वगैरह उस पर करते हैं। नाउ सिविल इंजीनियर होगा वो भवन कंस्ट्रक्शन वगैरह का ड्राइंग शीट्स बनाएगा कि उसका पिलर यहाँ होना चाहिए, उसका बीम यहाँ पड़ेगा, वो सब कुछ बता देते हैं उसी ड्राइंग शीट्स के अंदर। ठीक है, कि वो बेडरूम वहाँ होगा, वो ड्राइंग शीट्स, वो आपकी डाइनिंग टेबल वहाँ होगा, इवन मतलब सभी कुछ लॉबी वगैरह के अंदर होगी, सब कुछ लेटरिन बाथरूम से लेकर के हर चीज़ अवेलेबल होती है उस नक्शे के अंदर, वो ड्राइंग शीट्स के अंदर। तो ठीक है, उस ड्राइंग शीट्स पर हम बनाते हैं डिफरेंट टाइप के इंजीनियर ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाता है उसमें डिफरेंट टाइप के जनरेटर्स वगैरह हो गए, मोटर्स वगैरह हो गए, उनकी ड्राइंग बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चिप से रिलेटेड या फिर आपका डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे सर्किट्स को बनाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो किसमें बनाता है? ड्राइंग शीट्स बनाता है। तो सबसे पहले ड्राइंग शीट, सबसे पहले पॉइंट कुछ देखते हैं कि ड्राइंग शीट्स के अंतर्गत रेसे नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ड्राइंग शीट्स पर रेसे उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कैसे? ड्राइंग शीट्स पर रेसे नहीं उत्पन्न होना चाहिए, नंबर पहला पॉइंट है। जैसे आपने कुछ बनाया और उसको रबर से हिट कर दिया तो उस पर क्या हो जाते हैं? रेसे उत्पन्न हो जाते हैं। जो लो क्वालिटी की ड्राइंग शीट्स होती है वो इस पर रेसे उत्पन्न हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो ड्राइंग शीट्स होती है कैसे होनी चाहिए? वाइट होने चाहिए और क्लीन होना चाहिए। व्हाइट शीट्स का यूज करेंगे ड्राइंग्स बनाने के लिए। नाउ थर्ड, जो आपका थर्ड पॉइंट होगा, ड्राइंग शीट्स एक समान थिकनेस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर मोटी कहीं पतली हो, एक समान थिकनेस की होनी चाहिए ड्राइंग शीट्स। ठीक है, और ड्राइंग शीट्स को क्लीन डस्टर की हेल्प से साफ कर देना चाहिए, ऐसी ड्राइंग शीट्स होनी चाहिए। ड्राइंग शीट्स के कई टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ड्राइंग शीट्स मैंने आप लोगों को बता दिया, ड्रॉइंग शीट्स के प्रयोग भी बता दिए। तो ड्रॉइंग शीट्स के टाइप्स होते हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिंटर में जो लगता है, कौन सा A4 साइज का पेपर लगता है, लेकिन हम जहाँ पर यूज करते हैं वो A2 साइज की ड्रॉइंग शीट्स यूज करते हैं, A3 साइज की ड्रॉइंग शीट्स यूज करते हैं। अधिकतर ज़्यादातर मात्रा में A2 साइज की ड्रॉइंग शीट्स यूज की जाती है, जिनकी पर्टिकुलर लंबाई चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई A0 जो ड्रॉइंग शीट्स है उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई होगी आपकी 11.89। ये कैसी है? इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई। ठीक है, नाउ ये A0 है। इसी प्रकार से आप इसका आधा कर देंगे ड्रॉइंग शीट्स में, जो आपको नंबरिंग करते हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका आधा कर दीजिएगा, कितना हुआ इसका आधा? 5 और 9, 2, 9 और 4 मल्टीप्लाई, ये इसको ऐसा ही सेम लिख दीजिएगा 4। ये आप किसकी हो जाएगी? A2 साइज की ड्रॉइंग शीट्स की हो जाएगी डायमेंशंस। ठीक है, नाउ इसको नेक्स्ट, इसको आप ऐसा ही लिख दीजिएगा 594, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2594। ये आपका A2 साइज की ड्रॉइंग शीट। जो हम ड्रॉइंग शीट यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? A2 साइज की ड्रॉइंग शीट ज़्यादा लगाते हैं। जो आप ड्रॉइंग बोर्ड पर लगाते हैं वो इस साइज की ड्रॉइंग शीट लगाते हैं। राइट, समझ में आ रहा हूँ अच्छे से। अब इसके बाद में A3 साइज की ड्रॉइंग शीट्स को क्या करेंगे? हम इसको सेम, इसका आधा कर देंगे 2 और 9, 2 2 4, 2 9 18 और 2 2
मल्टीप्लाई 4 to 5, राइट। ये ए फोर साइज की ड्रॉइंग शीट्स होती है, उसका आधा कर लेंगे क्या हो जाएगा 2 और 2 = 2, 2 = 4 मल्टीप्लाई 297। और ए फाइव साइज की जो आपकी ड्रॉइंग शीट्स होती है इसकी डायमेंशंस होगी 2 = 2 और आपका 2 * 8 = 2 = 16 मल्टीप्लाई 212। ए फोर साइज की जो प्रिंटर में यूज करते हैं ड्रॉइंग शीट्स 212 मल्टीप्लाई 297 mm, ये सब किस में होती है mm में होती है। इतनी चौड़ाई का, इतनी ऊंचा, इतनी चौड़ाई का, इतनी लंबाई का पेपर हम जो प्रिंटर में डालते हैं वो 212 मल्टीप्लाई 297 इसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है 212। इस प्रकार से उसको हम इसमें डालते हैं और उसे प्रिंट होकर आता है। नाउ ए टू साइज की ड्रॉइंग शीट पर हम क्या करते हैं, जो आपका ड्रॉइंग बोर्ड होता है उस पर लगाते हैं और उसकी उस पर जो जो भी हम ड्राइंग बनाना चाहते हैं उस पर ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ड्राइंग शीट का वीडियो हो गया। अब इसके बाद में अदर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है। नाउ तीसरा ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है आपका टी स्क्वायर। क्या है आपका टी स्क्वायर? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में आप लोग देखेंगे एक ब्लेड होता है, ये आपका स्केल होता है, इसके ये आपका हेड होता है और ये आपकी क्या होती है वर्किंग एज, राइट। वर्किंग एज ये आपका टी स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता था मतलब दैट मीन पहले जो ज़्यादा होता अब भी है। टी स्क्वायर की सहायता से हम हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, टी स्क्वायर की सहायता से हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, सबसे मेन पॉइंट है इसकी सहायता, जिसकी सहायता से कैसी लाइन खींच सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते, राइट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें एक कुछ पार्ट्स होते हैं बेसिक, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक आपका होता है ब्लेड, दूसरा हेड, तीसरा वर्किंग एज और इसके बाद में ब्लेड हो गया। ब्लेड ये क्या होता है, ये आपका मेटल का हो सकता है, इसमें जो हेड होता है वो यानी कि आगू उसकी लकड़ी का हो सकता है, क्योंकि ये भी वो जो आपका ड्रॉइंग बोर्ड होता है उसमें क्या करता है स्लाइड करता है। अब इसको हमने क्या किया ड्रॉइंग बोर्ड उस पर लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ऊपर को और खींचा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर की सहायता से। मेन पॉइंट है उसमें क्या होता है, इसकी सहायता से वर्टिकल लाइन और दूसरी कौन सी होती है इंक्लाइंड लाइन, ये दोनों टाइप की लाइंस नहीं खींच सकते, क्या कर सकते नहीं खींच सकते हैं, इसकी सहायता से टी स्क्वायर की सहायता से नहीं खींच सकते। ये इसमें क्या होता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है, ये इसका क्या होता है दोष होता है, डिमेरिट होता है या डिसएडवांटेज कह लो, ये टी स्क्वायर का होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा ड्राइंग, जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत टी स्क्वायर आप लोगों को। अब इसके बाद फोर्थ की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एनीबॉडी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी तो वो अच्छे से कॉन्टेक्ट करें, उसे पूछ सकता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो।